जब बीजेपी के आंतरिक सर्वे में हार दिखी, जब संघ ने मोदी को जवाब तलब किया, जब भाजपा की पूरी मशीनरी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद तैयार हुई करिश्माई ऊर्जा के सामने बिखर गई, तो मध्य प्रदेश की हार का सारा ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। भाजपा और संघ के बड़े अधिकारियों ने इसकी शुरुआत कर दी। भाजपा के भीतरी अंतर कलह की जो लपटें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से आगामी 5 राज्यों में हार के बादल सर पर मंडरा रहे हैं, भाजपा के एक बड़े नेता ने नाम ना सार्वजनिक करने की शर्त पर कई पोल खोल खुलासे किए हैं। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिन 7 सांसदों को सीट बचाने के लिए विधानसभा का टिकट दिया गया है, वो सब हार रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दीमनी से हारेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से हारेंगे, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से हार रहे हैं, जबलपुर के सांसद राकेश पांडे को उनकी करारी हार का अंदाजा लग चुका है, सीधी की सांसद रीति पाठक लड़ाई से बाहर नजर आ रही हैं, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह तो हार ही रहे हैं। उधर कैलाश विजयवर्गीय की हार की सुखबुगाहट भोपाल नागपुर से लेकर दिल्ली मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में दर्जनों मंत्री अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद में जूझ रहे हैं। कमल नहीं कमलनाथ का नारा एक और जहां आम आवाम में बैठ चुका है, वहीं मध्य प्रदेश की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया के छल और धोखे का भी माकूल जवाब देने को तैयार है। संघ के एक अधिकारी ने गुप्त सूचना दी है कि विजय वर्गीय शिवराज और नरोत्तम मिश्रा की लड़ाई में सिंधिया इसका लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले उन तीनों ने मिलकर सिंधिया समर्थित प्रत्याशियों का टिकट कटवाकर महाराज को साइड में लगा दिया। अब मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा 40 सीटें भी ना ला पाए। नरेंद्र मोदी पहले ही रण छोड़कर भाग चुके हैं। हार का ठीकरा फूटने के डर से अब सभी पोस्टर और होर्डिंग से मोदी के पोस्टर्स भी हटा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने से कमलनाथ के लिए आवाजें उठ रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम भी झलक रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जितनी आबादी उतना हक का नारा लगा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कमीशन खोर शिवराज सिंह चौहान की उल्टी गिनती बढ़ती जा रही है। कुछ हफ्तों के भीतर आने वाला जनादेश पूरे देश को संदेश देने जा रहा है। जनता की सरकार आ रही है, वो लोग सत्ता में आ रहे हैं जो वादा पूरा करते हैं। देश की कमान देशवासियों के हाथ में जाने वाली है, तभी तो अब भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है।